एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लांट इंटरेस्ट। ये आप देख सकते हैं। अगर आप लोग गार्डनिंग में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? अगर आप लोग प्लांट्स में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आप लोग कैसे सीखेंगे? तो ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है जो कि मैं हार्ट प्रूनिंग कर दिया था जनवरी के मंथ में, और इस दिन मैं रेगुलर वीडियोज़ डाल रहा हूँ। सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि उस वीडियो से शूट करने के कारण वो क्वालिटी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं अपलोड नहीं किया था। लेकिन इस दिन मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ हार्ट प्रूनिंग के बारे में। और बहुत लोग बोलते हैं कि जनवरी में हार्ट प्रूनिंग नहीं करना चाहिए, और मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ और एक्सपेरिमेंट किया भी हूँ ताकि मैं देख सकूँ जनवरी में हार्ट प्रूनिंग करने से क्या होता है। ये अब अगर हम लोग प्लांट्स का कोई भी स्टेम, लीव्स, फ्लावर उसको कट करके प्लांट्स को एनकरेज करते हैं न्यू ग्रोथ के लिए, तो उसको हम लोग प्रूनिंग कहते हैं। और प्रूनिंग में भी एक होता है हार्ड प्रूनिंग और एक सॉफ्ट प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग जो होता है वो ऊपर का जो थोड़ा बहुत टिप ब्रांचेस रहता है उसको हम लोग हल्का हल्का प्रून करते हैं, उसको हम लोग सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं। और हार्ड प्रूनिंग जो है हम लोग हार्डली उसको करते हैं, मतलब मैक्सिमम ब्रांचेस को हम लोग काट देते हैं तीन नोच छोड़ के, उसको हम लोग एनकरेज करते हैं न्यू शूट के लिए, न्यू ब्रांचेस के लिए, और प्लांट्स को हेल्दी बनाने के लिए, बुशी बनाने के लिए, तो उसको हम हार्ड प्रूनिंग कहते हैं। और इसमें जितना मैक्सिमम हो सके हम लोग कट कर देते हैं, जितना लेगी स्टेम सब है वो लोग को हम लोग कर देते हैं। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आज तक मेरे इस हिबिस्कस प्लांट में कोई भी एस्थेटिक नहीं लगा है। अगर आपके प्लांट्स में एस्थेटिक हो रहा है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करें और टाइम टू टाइम चेक करते रहे, उसको मौका ही ना दे एफिड्स को आने के लिए। और ये आप देख सकते हैं पूरा प्रून कर दिया था मैं, और मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। आप देख सकते हैं पिछले एक वीडियो में मैं बनाना पील को हिबिस्कस प्लांट में डाल दिया था, बनाना पील इन प्लांट्स। ऊपर आई बटन में एक वीडियो पॉपअप हो रहा होगा, आप जाके देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है। और प्रूनिंग करने से एक और फ़ायदा है कि आप लोग को बहुत सारा प्लांट्स मिल जाता है। इस ब्रांच को आप लोग फेंकिए मत, इसको आप फिर से लगा दे। और इसके लिए जो मैं सॉइल प्रिपेयर करता हूँ, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट और कुछ भी नहीं। ये आप देख सकते हैं इसका रिसेंट ग्रोथ। आज का वीडियो सिर्फ जनवरी में आप कैसे प्रून कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट का वीडियो था, आप लोग के साथ शेयर किया हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं गार्डनिंग का वीडियो लाता रहूँगा। अगली बार किसी और एक वीडियो के साथ आप लोग से मिलूँगा, तब तक के लिए डू गार्डनिंग, मेक यूज ऑफ एवरीथिंग, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड कीप एक्सपेरिमेंटिंग।